पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले में मां गंगा का दुग्ध अभिषेक कर शुभारंभ किया गया, जिसमें आज जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता चौधरी, उमेश कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी अमरोहा, कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान, रमित शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद यशवंत राव, मंडलायुक्त मुरादाबाद व पुलिस अधीक्षक बिपिन टांडा ने हवन में आहुति देकर पूजा अर्चना भी की। जनपद अमरोहा के प्रसिद्ध तिगरी गंगा मेले में पहुंचे सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित सबसे पहले गंगा के तट पर बने पंडाल में बैठकर पंडित द्वारा हवन संपन्न हुआ और उसके बाद पतित पावनी गंगा की निर्मल धारा में दुग्ध अभिषेक किया गया। दुग्ध अभिषेक के बाद सभी शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पतित पावनी गंगा के तट पर बने भव्य मंच से पंडितों के साथ मंत्र उच्चारण कर माँ गंगा की आरती भी उतारी गयी। इसके बाद माँ गंगा के तट के समीप बने भव्य मंच पर बाहर से बुलाए गए कलाकारों द्वारा भजन संध्या के साथ साथ लेजर शो द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। मेला की साड़ी में उनका पहली बार साथ किए, जिन्होंने देखी है और जिन्होंने नहीं देखा तो भगवान शिव का संचालित किया जा रहा है। और मेला बहुत पुराना है और मैं मेले की व्यवस्था किया हूँ, जिलाधिकारी एसपी ने किया है। ये तो जनता मूल्यांकन की विगत वर्षों से तैयारी अच्छी है या नहीं, रही बात जनता से आज मुलाकात हुई है, सबने यही कहा विगत वर्षों से तैयारी इस बार बढ़िया दिख रही है, तो जनता का मूल्यांकन सबसे बड़ा मूल्यांकन। अच्छा सर, यहाँ देखा गया है बड़े श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं 10-12 लाख की, उसमें सरकारी कैंप भी लगाया जाता है, बस शिकायत निस्तारण के लिए कोई कैंप नहीं लगाया जाता। नहीं, शिकायतों के निस्तारण के लिए थाने भी बने हैं, लेकिन अब गांव की शिकायत मेले में लेके आवे ये उचित नहीं है। मेले में जो शिकायत, मैं उसकी शिकायत बात नहीं कर रहा हूँ, शौचालय की शिकायत है, पानी की शिकायत है, मेले की जो शिकायतें हैं उसके लिए भी काउंटर बनेगा और वो परसों से संचालित हो जाएगा, परसों संचालित हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक पहुंचे।